ये गज़ल मुझे आज भी दीवाना बना देती है। हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे संबित अक्सर यही गज़ल सुना करते थे। वो सभी रातें मेरे दिमाग में अनगिनत तस्वीरों की एक एल्बम की तरह कैद हो रखी हैं। रात जैसे जैसे आगे बढ़ती, संबित मुझे अपनी बाहों में ऐसे कस लेते जैसे कोई सांप अपने शिकार को फंदे में लपेट लेता है। चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपके हुए रात कब कट जाती पता ही नहीं चलता था। प्यार करने के लिए बदन से कपड़े निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें। तुम मेरे हीरो थे संबित, तुमने मुझे मेरे साधारण रंग रूप के बावजूद प्यार किया, तुमने मुझे अनपढ़ और अनाथ होने के बावजूद सहारा दिया, तुमने मुझे ये जानने के बावजूद अपनाया कि 13 साल की उम्र में ही मेरे मामा ने मेरा बलात्कार कर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था। तुम सचमुच मेरे हीरो थे संबित, मेरे हीरो, क्योंकि मेरे हर कमी के बावजूद तुमने मुझे चाहा। पर अगर तुमने मेरे लिए कुछ समझौते किए तो मैंने भी तुम्हें कभी कोई सवाल नहीं किया। तुमने जैसा कहा मैंने किया। तुमने कहा तुम मुझसे बच्चा नहीं चाहते, मैंने तुम्हारी यह बात भी मान ली। मन ही मन बहुत दुख था मुझे।
लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ हंसते हुए जिंदगी बिताने लगी। हमारी जिंदगी में सब कुछ तो अच्छा चल रहा था संबित, फिर क्यों तुम इस बच्चे को इस घर में लेकर आए? क्यों? मुझे लगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और बिना कोई सवाल किए मैं इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी, लेकिन तुम्हारे मन में कचरा भरना शुरू हो गया। तुम हम पर नजर रखने लगे, मुझ पर शक करने लगे। सच पूछो तो गलती मेरी ही थी कि मैंने तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया। असल में तो सवाल तभी पूछ लेना चाहिए था जब तुमने मुझे मां बनने से रोका था, जब तुम अचानक इस बच्चे को इस घर पर ले आए थे, जब इस बच्चे के लिए तुम मुझसे इतने दूर चले गए कि मेरे साथ एक कमरे में सोना धक बंद कर दिया। क्यों किया ऐसे तुमने सामने, क्यों किया? कविता, मैं मानता हूं कि हमारे इस बिगड़ते हुए रिश्ते के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि मेरा और गोपाल का रिश्ता इल्लीगल है, लेकिन सारे इंसानी रिश्ते चुंबक की तरह तो नहीं होते ना कि सिर्फ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट हों। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था मेरी लाश देखने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत रही तो तुम मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दोगी। अब इस रिश्ते को बचाने की और कोशिश मत करो कविता, क्योंकि अगर अब हम अलग नहीं हुए तो आज जो मर्डर हमने एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है, कल को हम दोनों में से कोई इसे सच में कर देगा। हम तीनों की जिंदगी बचाने के लिए यह हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट हमारी आखिरी कोशिश थी। आश्क तेरे दर